मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धिपेट जिले के कोमूरा वैली मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने कोमूरा वैली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के बदलते दौर में रेल महत्वपूर्ण है। रेल न केवल यातायात का माध्यम है, बल्कि युद्ध के दौरान जरूरत पड़ने पर हमारे जवानों तक सामग्री पहुंचाने के काम आती है। मैं आपको बाबा महाकाल के दर्शन का निमंत्रण देता हूं। मध्य प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है तो हमने प्रयास किया कि जनता का सीधा जुड़ाव सरकार के साथ हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार चलाने में जनता का योगदान होता है, जनता का सम्मान सरकार के साथ जुड़ा होता है। हम मध्य प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे। एक ही निमंत्रण देता हूं, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आता हूं, आप सबको भी बाबा महाकाल के दर्शन का निमंत्रण देता हूं। आप सब आइए, धूमधड़ाके से आइए। और जब से हमारी सरकार बनी मध्य प्रदेश में, हमने प्रयास किया है कि सरकार चलाने में जनता का योगदान होता है और जनता का सम्मान ये सरकार के सम्मान के साथ जुड़ा रहता है। इसलिए जनता के हितैषी योजनाओं को चलाते चलाते हमने स्पष्ट संदेश दिया कि सुशासन की स्थापना करेंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाएंगे।